अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मैर है। आपने सुना होगा रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं आता, सिर्फ एक काम आता है, वो है प्रॉपर्टी का काम। एंड इट इज़ अ रियलिटी। ठीक है, मैं आपके सामने एक रुके मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ कि उसमें कितना जो बेसिकली कैपिटल है पाकिस्तान का वो कितना ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक ग्राफ दिखाता हूँ, रुकिए ज़रा। सो आपके सामने एक ग्राफ शो हो रहा होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो वैल्यूएशन है ये ट्रिलियन रुपीज के अंदर है, ठीक है, पाकिस्तानी। तो इसमें अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स है पूरे पाकिस्तान के मिला के उसमें सिर्फ 1.2 ट्रिलियन रुपीज पड़े हुए हैं। ठीक है, पूरी की पूरी पाकिस्तान की ऐसी बेहतरीन बेहतरीन कंपनी जो है वो अपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लेकिन वहां पे पैसा नहीं है। क्योंकि सबको पता है जो होता गया है कि आप रियल एस्टेट खरीदो, ब्लैक मनी खरीदो, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो ऑटेस्टी क्या कहते हैं एमनेस्टी स्कीम दे देती है और उसके बाद वो पैसा वाइट हो जाता है। तो सबने उठा के, दुनिया जहान के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उठा के रियल एस्टेट में डाला हुआ है। तो इस वक्त जो बैंकिंग डिपॉजिट्स हैं वो भी सिर्फ 21 ट्रिलियन के हैं, लेकिन आप रियल एस्टेट के अंदर जो मनी इन्वेस्टेड है उसकी अमाउंट तो चेक करें, इट इज 88 ट्रिलियन रुपीज। और ये मेरे ख्याल से इट्स नॉट एक्यूरेट नंबर, इससे भी ज्यादा होगा, इट्स जस्ट एस्टिमेशन। क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज में मेंशन है प्राइसेस वो एग्जैक्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे गुलशन के अंदर प्लाट्स आज भी जो है वो गवर्नमेंट के अंदर 10 लाख के करीब लिस्टेड है, और 10 लाख रुपए के अंदर आप गुलशन इकबाल में कोई प्लाट ढूंढ के दिखाएं, करोड़ से नीचे की कोई चीज नहीं है। तो तकरीबन जो रियल मनी निकलेगा वो अराउंड 100 ट्रिलियन से अबव जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना जो कैपिटल है जब वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर पड़ा हुआ होगा तो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। तो यही है जो है, जब तक गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। मिफ्ता इस्माइल ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन इवन उसकी अपनी जो है वो पार्टी, उसने उसकी टांगें खींच ली एंड उसको बेचारे को फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी जाना पड़ा। तो ये हालात हैं, तो इस तरीके से तो नहीं चल सकता। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।